So class fourth, today we are going to do our next chapter, which is chapter number 7, safety and first aid. मतलब अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए और अगर by chance कुछ हो जाता है तो आपको first aid में क्या use करना चाहिए. ठीक है, तो पहला point, accident can happen anywhere and at any time. Accident कभी भी और कहीं भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये कैसे होता है? ज्यादातर ये होता है हमारी केयरलेसनेस की वजह से, यानी हमारी ही लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं. और कई बार एक्सीडेंट्स इतने खतरनाक होते हैं कि दे लीड टू डेथ, यानी हम लोग उस क्या हो सकता है उस एक्सीडेंट से मर भी सकते हैं. ठीक है, और कई बार विक्टिम्स को, यानी जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है उसको बचाने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट एड देनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करवानी चाहिए. तो फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प दैट वी गिव द पर्सन हु हैज मेट विद एन एक्सीडेंट. एक ऐसी हेल्प जो तुरंत दी जाए उस इंसान को जिसका एक्सीडेंट हुआ हो, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. एड मीन्स हेल्प, सहायता, और फर्स्ट यानी पहली, पहली हेल्प. फर्स्ट एड मीन्स पहली हेल्प, फर्स्ट हेल्प. ठीक है, और अगर फर्स्ट एड दे देते हैं हम इस इंसान को, तो ये क्या करती है? ये उस इंसान का थोड़ा पेन कम कर देती है, रिकवरी को तेज कर सकती है, और हो सकता है हमारी फर्स्ट एड से उस इंसान की जान भी बच जाए. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कुछ इमरजेंसी कंडीशंस के बारे में और क्या क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए वो पढ़ेंगे. फर्स्ट है फेंटिंग, यानी जब एक इंसान बेहोश हो जाता है. फेंट यानी बेहोश होना, और बेहोश होकर जब गिर जाता है तब क्या करना चाहिए? तब हमें उस इंसान के आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं होने देने चाहिए, उसको फ्रेश एयर देनी चाहिए, उसके कपड़े को क्या करना चाहिए, लूज करना चाहिए, उसके फेस पर पानी छिड़कना चाहिए, और उसके मुंह में यानी उसको फ्रेश पानी पिलाना चाहिए. ठीक है, और ये सब करने के बाद में एक डॉक्टर को बुलाना चाहिए, यानी डॉक्टर जब तक आता है तब तक आप उस इंसान को ये वाली फर्स्ट एड दे सकते हो. नेक्स्ट है कट्स, मतलब आपके जब भी हाथ में या कहीं पे भी कट लग जाता है तो आपको फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए. छोटा कट लग जाता है लेकिन ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड विल फ्लो आउट. अगर छोटा सा कट लगता है तो थोड़ा बहुत खून निकलेगा, लेकिन बाई चांस अगर बड़ा कट लगता है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले दबा उस फिंगर को दबाना चाहिए. ठीक है, उसके बाद उसको खून को क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए. एंड जहाँ पर वो चीज़ लगी होती है, कट लगा हुआ था, उसको क्लियरली धोना चाहिए. किससे? डिटॉल से और लाइजोल से. इसके बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद वहाँ पर कॉटन लगानी चाहिए. ठीक है, और आयोडीन लगाना चाहिए. नमक से क्या होता है, एकदम जलन होती है लेकिन रिलीफ मिलता है बाद में. ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो क्या करना चाहिए? बैंडेज लगानी चाहिए कॉटन के ऊपर. ठीक है, इसके अलावा कट्स में क्या करना चाहिए? ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अगर बहुत ही गहरा घाव लग गया है, बहुत ही गहरा कट लग गया है, तो टाइट बैंडेज बांधनी चाहिए घाव के ऊपर. उसके बाद क्या करना चाहिए? रेस्ट करना देना चाहिए बॉडी को. और अगर हमारे आसपास आइस है तो उस बाउंडेड पर यानी उस घाव पर क्या करना चाहिए? आइस लगानी चाहिए, जिससे क्या हो, ब्लीडिंग रुक जाए, यानी खून बहना रुक जाए. और जब खून बहना रुक जाता है तब क्या होता है? डिटॉल से भीगी हुई कॉटन वहां पर लगानी चाहिए और क्लीन करना चाहिए. और अगर प्रोवाइडेड है तो बोरिक पाउडर लगाना चाहिए. बोरिक पाउडर लगाने के बाद में कॉटन पैड से उसको कवर करके फिर से बैंडेज लगानी चाहिए. इस घाव को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, अगर खुला छोड़ते हैं तो डस्ट और जंग से क्या हो जाता है, वो घाव खराब हो जाता है. और उसके बाद किसको? डॉक्टर को दिखाना चाहिए. स्कैल्स एंड बर्न्स, ठीक है, जल जाता है या आपके कुछ भी लग जाता है, ठीक है, जैसे पानी, गर्म पानी गिर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्कैल्स. और किसी चीज से जलना, ठीक है, लाइक एज हॉट पैन वगैरह से, उसको क्या कहते हैं? बर्न कहते हैं. तो अगर इस तरीके से का हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अप्लाई करना चाहिए बेकिंग सोडा का पानी उस सॉल्यूशन के ऊपर, ताकि ठंडक रहे.
एंटीसेप्टिक क्रीम या बर्नॉल लगानी चाहिए और इस जगह को बैंडेज से टाइट नहीं बांधना चाहिए। ठीक है, अगर ब्लिस्टर बन जाते हैं यानी छाले बन जाते हैं तो उनको फोड़ना नहीं चाहिए और फिर डॉक्टर को भी चेक करवाना चाहिए। इंसेक्ट्स बाइट्स में क्या करना चाहिए, मतलब जब भी आपको कोई इंसेक्ट काट जाता है लाइक एज बी हनी बी वगैरह कुछ भी अगर इंसेक्ट आपको काट जाता है तो वो पॉइजन आपकी बॉडी में जाता है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी आपको मधुमक्खी काटती है तो आपके आसपास जो भी स्वेलिंग हो जाती है रेड रेड हो जाता है तो आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ जल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले इंसेक्ट्स का स्टिंग यानी उसका जो डंक होता है उसको बाहर निकालना चाहिए, किससे, स्टेरिलाइज नीडल से। और उसके बाद क्या करना चाहिए, उसको थोड़ी देर ठंडा करना चाहिए यानी थोड़ी देर उसको रखना चाहिए। उसके बाद सोडा बाइकार्बोनेट और या फिर टूथपेस्ट लगानी चाहिए उस स्टिंग पर। ठीक है, उसके बाद उस विक्टिम को कहाँ ले जाना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज एनिमल बाइट्स, अगर कोई भी जानवर आपको काटता है लाइक ए स्नेक बाइटिंग, डॉग बाइटिंग और स्नेक बाइटिंग, फर्स्ट और डॉग बाइटिंग, अगर आपको डॉग काट लेता है यानी जो कुत्ता पागल हो चुका है तो वो अगर काट लेता है तो कैसे होता है। ठीक है, पागल कुत्ते की निशानी आप मान सकते हो एक मैड डॉग की, कि उसके जो उसकी टैल होती है वो हैंग होती है, लटकी हुई होती है। ठीक है, उसकी लेग्स लेग्स के बीच में और उसके मुंह से जाग निकल रही होती है और इन्हीं जाग में क्या होते हैं, डिजीज रेबीज के जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। अगर आपको वही डॉग काट लेता है तो वो जर्म्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, और हो सकता है आप भी पागल हो जाओ और आ गया, फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, स्प्रिट से उस जगह को धोना चाहिए, कार्बोलिक एसिड लगाना चाहिए जर्म्स को मारने के लिए और डॉक्टर के पास ले जाकर उस इंसान को इंजेक्शन आते हैं रेबीज के लिए, रेबीज डिजीज के लिए वो इंजेक्शन लगवाने चाहिए और देखना चाहिए कि वो कुत्ता कुछ दिनों में मर जाता है या नहीं, फिर आपको फर्दर यूज करना चाहिए। स्नेक बाइटिंग्स के लिए क्या करना चाहिए, अगर आपको कोई स्नेक काट जाता है जो उसके लॉन्ग टीथ होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं फैंग्स। ठीक है, जिससे वो काटता है और इसी फैंग से क्या होता है, वो अपने दो छोटे छोटे छेद हमारी स्किन पर छोड़ देता है। ठीक है, अगर आपको किसी सांप ने काट लिया है तो आपको बैंडेज या हैंकरचीफ दोनों में से कोई भी जो भी अवेलेबल है वो इंसान के जहां पर जिस जगह पर काटा है उससे थोड़ा सा ऊपर बांधना चाहिए ताकि जो पॉइजन है वो अपनी पूरी बॉडी में इंसर्ट ना हो, पूरी बॉडी में स्प्रेड ना हो, फैले ना हो। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन उस घाव पर लगाना चाहिए। ठीक है, जहां पर स्नेक ने काटा है वहां पर छोटा सा कट लगाना चाहिए ताकि जो पॉइजन ब्लड है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। जिस इंसान को स्नेक ने काटा है उसको सोने नहीं देना चाहिए, बाय चांस अगर वो सो जाता है तो इट लीड्स टू डेथ, मतलब पॉइजन उसकी बॉडी में इंसर्ट हो जाता है पूरी तरीके से, तो उस इंसान को जागते हुए रखना चाहिए। उसको गर्म टी या कॉफी देनी चाहिए पीने के लिए और तुरंत उस इंसान को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सो क्लास फोर दिस द चैप्टर वॉज एक्सप्लेन्ड, नाउ वी आर गोइंग टू डू आर क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, सलीविया ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, कौन से इन्फेक्टेड एनिमल के सलीविया से आपको डिजीज होती है, कौन सी डिजीज होती है, रेबीज, यानी सलीविया जो झाग निकल रही होती है वो डॉग का सलीविया होता है। ठीक है, किस एनिमल के काटने से रेबीज हो जाता है, डॉग के काटने से। टूथपेस्ट कब अप्लाई करते हो, जब आपको मधुमक्खी ने काटा हो। ठीक है, वी शुड नॉट अराउंड क्राउड अराउंड अ पर्सन हु फेंट बिकॉज ऑफ फेंटिंग। ठीक है, तो आपको बाकी क्वेश्चन आंसर आपको आंसर भी प्रोवाइडेड हैं इसमें। ट्रू फॉल्स में आपको क्या बताना है, जो सही है और जो गलत है। आइस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड, नहीं, आइस ब्लड के फ्लो को रोकती है। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है, फर्स्ट एड वुड यू प्रोवाइड इन द फॉलोइंग केसेस, आपको इन सब के आंसर आगे आपकी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, आई टेक देम।
ठीक है, एक कट दैट इज नॉट डीप, अगर एक डीप कट नहीं है तो क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा सा दबाकर उस पर क्या करना चाहिए, आयोडीन लगाकर और बैंडेज लगा देना चाहिए, बस दैट्स इट, इतना ही करना चाहिए। बाकी के भी आपको बता दिए गए, एक्सप्लेन हो चुका है चैप्टर और आपको आंसर भी मिल जाएंगे इसके, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स है, हाउ डू एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कैसे होता है और हम उन्हें अवॉइड कैसे कर सकते हैं। एक्सीडेंट हैपन बिकॉज ऑफ आर केयरलेसनेस एंड वी कैन अवॉइड दैम बाई ड्राइव केयरफुली। सो ऑल द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 7 क्लास 4। और नेक्स्ट वीडियो और सेशन में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सैनिटेशन।